बातचीत करने के लिए अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद अजय टमटा जी मौजूद हैं। अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। सबसे पहला तो आपको न्यूज वन इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत के लिए और बधाई। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में उत्तराखंड से, कि आज शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम आपका भी है जो शपथ ले सकते हैं। जी, पहले तो मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को भी, और अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के देवतुल्य मतदाताओं का, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा सांसद के रूप में अपने क्षेत्र के प्रति काम करने के लिए मुझे संसद में भेजा है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी मुझे जो अवसर दिए हैं, चाहे उत्तराखंड राज्य के अंदर विधायक के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में, संगठन में काम करने के रूप में, जो भी जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को मैंने पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण योगदान के साथ काम किया है। पिछले समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2019 में मुझे सरकार में भी काम करने का अवसर मिला है, और इसलिए पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है, और हम सबको भी अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर काम करना है। तो मैं समझता हूँ जो भी जिम्मेदारियाँ हमको, चाहे संगठन में काम करने के लिए, पार्टी में काम करने के लिए, प्रदेश में काम करने के लिए, देश में काम करने के लिए, बूथ में काम करने के लिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी का हम पूर्ण तरीके से, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ताकत के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 23 साल की उम्र से आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, और वो सफर पर अगर जरा नजर डाली जाए, तब से आपने राजनीति के क्षेत्र में परचम ही लहराया है। लगातार 3 बार मोदी सरकार में आप जीत दर्ज करते रहे हैं, इस बार भी आप जनता के बीच में गए, तमाम मुद्दों को आपने बीच में रखा होगा और जनता ने आप पर भरोसा किया है। ऐसे में मैं मुख्य तौर पर यह जानना चाहूंगी कि जो वादे आपने जनता से किए थे, इस बार क्या वो मुख्य बिंदु होने वाले हैं जो जनता की उम्मीदों का पूरा करेंगे? मैं सौभाग्यवान हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में एक ही स्थान में, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 4 स्थानों में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है। जागेश्वर धाम में, जोलिंगकोंग में, आदि कैलाश में, अंतिम गांव गुंजी में, और पिथौरागढ़ में आम सभा को भी संबोधित करते हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। उन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने अंतिम गाँव तक सड़क देना, हमारे बॉर्डर तक सड़कों का नेटवर्क का काम होना, ये पहली बार देश के अंदर हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही हुआ है। और जो बॉर्डर एरियाज विलेज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट करके जो अंतिम गांव नहीं, वो भारत का पहला गाँव है, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे। मैं ऐसा सौभाग्यवान क्षेत्र से आता हूं जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तराखंड राज्य को प्यार करते हैं, और उत्तराखंड की जनता भी उनको उतना ही प्यार करती है, और इसी का परिणाम है पांचों के पांचों संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक बहुमत के साथ, कमल के फूल के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी को दिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया और उस गांव का भी जिक्र किया जिसे कभी अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज प्रथम गांव के नाम से जाना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने देवभूमि से ही कहा था, यही समय है, सही समय है। अब क्योंकि विकसित भारत का संकल्प 2047 तक का देखा है, मोदी सरकार के जो ये 100 दिन का कार्यकाल बहुत अहम रहता है, 2019 में भी हमने देखा है, क्या ये 100 दिनों में विकसित भारत के लिए भी कुछ अहम योगदान रहेगा? भाई, जिस दिशा को हम जा रहे हैं, हम उस सपने को, उस लक्ष्य को लेकर जा रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत के लिए जो अवधारणा लेकर, जो हाइपोथीसिस को लेकर के हम काम कर रहे हैं, उस हाइपोथीसिस में पिछले 10 साल तक काम कर रही, और उसी दिशा में हम काम करके 2047 तक हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसके लिए एक दिन भी नहीं रुकेंगे, हम सब मिलकर के काम करेंगे, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष कह रहा है कि अब तक मोदी सरकार ने एक मजबूत विपक्ष का सामना नहीं किया है, इस बार मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, हम उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी में आपने देखा कि हम 2 सांसद भी थे, और पूरा ही पूरा पक्ष ही होता था, हम विपक्ष में 2 होते थे। हमने वो समय भी देखा है जब जो कांग्रेस जैसी एक तरफा पार्टी जिसकी सरकार रही है वर्षों तक, वो विपक्ष में, विपक्ष के नेता के लोग भी, उनके पास नंबर्स नहीं थे। तो इसलिए हम हर तरीके से काम करने के अनुभवी लोग हैं, और इसलिए हमें कोई भी समस्या नहीं रही है, और इसलिए हमारा अभी भी जो सरकार है वो मजबूत सरकार के रूप में काम कर रही है।
तो ये थे हमारे साथ अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए हुए सांसद अजय टम्टा, जिनका नाम आज चर्चाओं में है कि आज जब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण होगी, तो एक नाम अजय टम्टा जी का भी हो सकता है। तमाम पहलुओं को लेकर उनसे बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि इस बार का विजन क्या कुछ रह सकता है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, दिल्ली।